दोस्तों आजकल अंजू इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही हैं, आप सुनिए उनका लेटेस्ट इंटरव्यू जो आया है, जो उन्होंने ऑडियो कॉल पे इंटरव्यू दिया है, आप भी सुनिए। हेलो। हाँ जी। हाँ अंजू जी, ललित बात कर रहा हूँ मैं। जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको कॉल करने के बीच में ट्राई किया था, बात नहीं हो पाई आपसे। नहीं तो रस्ते में थी ना, इसलिए बाहर ही हूँ, अभी भी बाहर हूँ, तो किसी भी थोड़ा सा टाइम निकाला जी। अब बोलिए आप बताएं। तो आप कब लौटे हैं पाकिस्तान से भारत, पहला सवाल मेरा ये थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ मैं। किस तारीख को पहुँची है? 29 को पहुँची है। फिर कहाँ से, थोड़ा शुरुआत से हम बात करते हैं, वहाँ से आई हैं आप, तो कहाँ पहुँची हैं? बागा बॉर्डर आई हैं आप पहले? हाँ बागा बॉर्डर से गई थी, बागा बॉर्डर से आई हूँ। तो बागा बॉर्डर पे आपकी सुरक्षा एजेंसियों से क्या मतलब, उनसे जाँच पड़ताल की गई आपकी या नहीं, ऐसा क्या है आगे? हाँ, वहाँ पे हुई थी, जो भी आई भी जो भी है एजेंसी, क्या मतलब जो पूछताछ होती है नॉर्मली, वही पूछताछ की थी कि आप वहाँ पे किसी से मिले या जो भी है, इस तरीके से बातचीत करी थी 1-1.5 घंटे, और बस उसके बाद हमें वहाँ से क्लीन चिट दे के भेज दिया था, क्लियर करके कि आप जा सकते हो। तो उसके बाद आप दिल्ली आई हैं, तो दिल्ली के बाद आप कहाँ गायब हो गई थी? हर कोई ये जानना चाहता था। बिल्कुल। दिल्ली के बाद अंजू कहाँ गई? देखो सर, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है कि मैं अकेली हूँ, मुझे कहाँ जाना था, और कोई मेरे साथ कोई सपोर्ट के लिए नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी क्या है, तो कोई हेल्प के लिए नहीं था, अकेली थी, मुझे खुद अकेले फाइट करना था सारी चीज़ें, तो मैंने कभी भी ये नहीं बोला है, मैं जब से गई हूँ शुरू से कभी भी मैंने ऐसे नहीं बोला कि किसी से मुझे बात नहीं करनी, मैं हमेशा कंटिन्यू मेरा व्हाट्सअप ऑन रहा है, हमेशा मैं मतलब फ़ोन ऑन रहा है, और मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि नहीं बात करनी, ठीक है। तो मैंने जब मैं एयरपोर्ट पे आई तो भी मैंने यही बोला कि अभी मुझे जाने दो प्लीज, मैं सबको जवाब दूंगी, मैं शुरू से यही कह रही थी कि मैं सारी मीडिया के सामने आऊंगी, सब सबसे बात करूंगी, पर मुझे थोड़ा सा वो चाहिए ना टाइम, तो मैं अपने सेफ्टी के लिए, मैं अकेली हूँ इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो परिवार और तो है आपका यहाँ पे, पूरा सब कुछ है आपके, परिवार है, सही है, आपको पता है जो भी हालात है हम परिवार को लेके जो भी है, तो मैं पहले परिवार से बातचीत करूंगी, पहले इन चीजों से निपटूंगी, तभी तो मैं आप लोगों को बात कर पाऊंगी, आप ये तो देखो ना। तो उसके बाद आप कहाँ गई? मैं रह रही हूँ यहीं पे, हूँ दिल्ली में ही हूँ। नहीं हमें पता लगा था कि आप यहाँ नहीं है, आप कहीं हरियाणा में थी। नहीं 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 हरियाणा में थी मैं, पर फिर उसके बाद मैं दिल्ली में आ गई, दिल्ली में हूँ जी। तो अभी बच्चों से आपकी मुलाकात हुई? आप कई दिन हुए जी, मैं बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, ठीक है, हाँ हो रही है बातचीत, हो रही है बातचीत करेंगे। अरविंद से आपकी बात हुई? जी मेरी बातचीत हुई है, और वैसे भी हमारे आपसी मामले हैं सर, और हम आपस में ही निपट के ये सारी चीजें काम करेंगे, कैसे क्या है ना हर चीज। अरविंद ने, आप आई थी उस दिन ही कहा था कि देखो बच्चे नहीं मिलना चाहते अंजू से और मैं बात नहीं करना चाहता हूँ उससे, ऐसा उन्होंने कहा था मीडिया से बातचीत करते हुए। ठीक है, कहा होगा, ठीक है, और ये फैमिली मैटर है और निजी मामले हैं, और ये बात करने से ही बात आगे डिस्कस होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा तो क्या आप अरविंद अगर एग्री होते हैं तो क्या आप उनके साथ दोबारा रहना चाहती हैं? देखो अभी तो हम बातचीत करेंगे उनसे जो भी, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो क्या आप उनके एग्री से क्या होता है, मेरे एग्री से होता है ना, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप एग्री हैं या नहीं है रहना ना रहना, तो ये सब चीजें मैं पब्लिसिटी नहीं करना चाहती ना सर, आप ये तो देखो ना हमारी मतलब पर्सनल लाइफ है, आप पति पत्नी है, पब्लिसिटी की कोई बात नहीं है, मैं तो एक सिंपल सवाल है, अगर वो आगे की बात है हम बता देंगे, आगे जो प्रोसेस होगा आगे जो हम बता देंगे जो भी होगा। नहीं तो क्या आप, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप तलाक लेने के लिए प्लान कर रही है या बातचीत करके मैटर को सुलझाना चाहती है, तो क्या है आपका प्लान अभी, वो जानना चाह रहा हूँ मैं थोड़ा। नहीं नहीं अभी अभी मैं मिलूंगी, उसके बाद ही जो भी प्लान होगा वो बता देंगे आपको सर, ठीक है। तो अभी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे? अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और जो भी होगा वो पता चल जाएगा। तो आपकी अपने आपके पापा जी से हुई कोई बात, उनसे बात करने की कोशिश की आपने, वो तो नाराज है? हाँ सर बात हुई है, मेरी मम्मी से बात हुई है, पापा से नहीं हुई है। अच्छा नहीं हुई है। तो आपकी बेटी क्या कह रही है आपसे, हैप्पी है अनहैप्पी है? देखो जैसे पहले थी ना वैसे ही है मेरे साथ, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, मम्मी पाकिस्तान चली गई है पापा को छोड़कर, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। और जितने लोग जितना बोल रहे हैं ना बच्चे बच्चे बच्चे, जितने लोग बोल रहे हैं ना मेरे बच्चे के बारे में ये है वो है, बच्चे के बारे में सोचा, ये बताओ जो लोग मेरे ऊपर इतने दोष लगा रहे हैं क्या वो उनमें से कोई भी एक बता दे मुझे, कोई आया क्या मेरे बच्चे को देखने की इतने 4 महीने में कैसे क्या रहा है, मैं ही देख रही हूँ ना। नहीं बच्चे तो अरविंद के पास है, तो बच्चे पास है तो क्या हो गया, मैं माँ हूँ ना, मुझे पता है ना मेरे बच्चे का किस टाइम तो कैसे आप, दूर आप, रह सकते हैं, और मैं पहली बात तो ये इरादे से गई ही नहीं हूँ कि मैं
मतलब भाग के गई हूँ या छोड़ के गई हूँ या सोने गई हूँ, मैं तो वापिस आने के लिए इस प्रोसेस में गई हूँ। आप ये तो देखो ना, आप कितना टाइम रही है पाकिस्तान में? आप 4 महीने 8 दिन। तो आप इतने दिन, आप 1 महीने के वीजे से गई थी ना वहाँ पे? हाँ, मैं 1 महीने के वीजे से गई तो थी। आप फिर इतने दिन कैसे रही है वहाँ पे? इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा, मुझे और घूमना था तो मैंने एक्सटेंशन करा लिया। तो आपका एक्सटेंशन कितने दिन के लिए हुआ था? फर्स्टली आपका 1 मंथ का हुआ? 2 महीने का, पहले 2-3 महीने का कराया था। 1 महीने का तो मेरा अपना वीजा था, तीन हाँ। महीने का कराया था। अच्छा, तो हाँ बस, आपकी अभी इंडिया में कोई, आपको अभी तक किसी ने परिवार की ओर से कोई ऐसी धमकी आई हो या नहीं डांटा नहीं हो या नहीं सहमति बातचीत की कोई मीटिंग से नहीं हो, ऐसा कुछ उन्होंने भी नहीं परिवार को हुआ दोबारा है। एक साथ लाने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सब अपने से आराम से हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और वैसे भी मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, ये सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी मेरे वजह नसरुल्ला से से आपकी बातचीत हो रही है? हैं? नसरुल्ला से आपकी बातचीत अभी भी हो रही है इंडिया आने के बाद? जी, हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप अरविंद के साथ रहना चाहेंगे भविष्य में, नसरुल्ला के साथ? देखो अभी मैं वहां से आई हूँ और जो भी होगा पहले तो हम यहाँ अपने बच्चों से बातचीत करेंगे, सारी चीजें होंगी और उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं, और आपको उनका भी। अगर एक, आप अब दो तो शादी आपकी हो, दो आपने एक तो पाकिस्तान में भी शादी कर ली और एक इंडिया में जी आपकी जी वैसे भी, तो जी वो तो वैलिड यहाँ इंडिया में मानी नहीं जाएगी। तो जी मेरा जी सवाल ये है, अगर आप पाकिस्तान जाएंगी या फिर यहीं पे रहकर अपना परिवार संभालेगी, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखो जो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट फ्यूचर होगा, जो होगा उसको उसमें ही, उसे हित में रखते हुए मैं वो काम करूंगी। ठीक तो है सर? अगर बच्चे कहेंगे कि मम्मी आप अरविंद के साथ ही रहें, मतलब पापा के साथ रहें नहीं, और नसरुल्ला के पास मत जाइए, तो क्या आप नहीं नहीं बच्चों के हित में नहीं, फैसला ऐसा ऐसा लेंगे? कुछ भी नहीं है जैसे कि बच्चे इस तरीके से बोलेंगे। मुझे पता है बच्चे क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, मैं अपने बच्चों को बेटर जानती हूँ तो मैं वही और जानना क्या चाह रहा हूँ होगा। ना कि तुम आप जो जानना चाहते हो भविष्य उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, जब में आप जो भी नसरुल्ला को बातचीत यहाँ होगी हम बुलाने बता वाली देंगे। हैं या आप हाँ पाकिस्तान बिल्कुल, जाने वाली बुलाने हैं? वाली हूँ उनको, वो आएंगे। अभी मैं गई हूँ ना, उसके बाद हम, अब वो आएंगे। अच्छा वो आएंगे अभी, तो हाँ कब तक का प्लान है उनका आने का? अच्छा, आप अभी साथ क्यों नहीं आए आप लोग? साथ इसलिए नहीं आएगी, मेरा कैसा वेलकम है वो तो देख लो, मैं कहाँ जाती कैसे रहती ना, फिर दिक्कत हो जाती ना इसलिए। नहीं तो आपको वहां थोड़ी दिक्कत हुई थी जाने में, तो वहां उनको यहाँ आने में उनको क्या दिक्कत होती? उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए होता ना, फिर इंडिया से कोई स्पॉन्सर करता तभी तो आते। मुझे प्रोसेस ज्यादा पता है नहीं। ठीक है, तो वो जब आई, अब मैं आई हूँ इधर तो अब मैं स्पॉन्सर करूँ तभी तो आएंगे। उसमें भी टाइम लगता है मेरे ख्याल से 3-4 महीने। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा आपसे। देखो, आपके जाने के बाद तमाम, आपने भी पता होगा या सुना होगा, आपके जाने के बाद तमाम चीजें चली, आईएसआई का कनेक्शन निकाला गया आपके ये सब मार्फत, अफवाहें बहुत हैं, सारी सब अफवाहें, चीजें सब अफवाहें चली। हैं, सब अफवाहें हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आप पाकिस्तान में आप इतने दिन रही हैं, एक तो आप जी, ये बताइए आपका कैसा रहा वहां रहने का एक्सपीरियंस? मेरा वहाँ बहुत अच्छा रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। जब से मैं गई हूँ, जैसे जिस तरीके से इमेज बनी हुई है, जो सारी चीजें हम यहाँ से सुनते हैं और जो चीजें देखते हैं, तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। जैसे वो भी एक इंडिया का पार्टी है वैसे भी, और ऐसा कुछ लगा नहीं, सब कुछ मुझे ठीक लगा। मैं जिस जिस से मिली हूँ, जहाँ जहाँ गई घूमने फिरने, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब फ्यूचर में अगर आपको ऑप्शन मिले इंडिया या पाकिस्तान, कहाँ रहना चाहेंगे? देखो ये तो कोई सवाल जवाब नहीं है। नहीं, आपको चूज करना है ना, आप आपको आगे डिसाइड भी करना है ये चीजें, वो तो बात ही इंडिया बात है, सब देखी या कोई अदर जाएगी। कंट्री? अदर कंट्री भी है मेरा, वैसे तो ड्रीम अदर कंट्री है, वो तो तो क्या दुबई, ड्रीम है, पर सऊदी, हमारे क्या है हालात ठीक रहे तो उसके बाद देखेंगे। कहाँ का प्लान है, आप कहाँ का सोचते दुबई, हैं? दुबई का ही है मेरा तो ड्रीम है, वो तो हमारा हालात सारे सब ठीक रहे तो देखेंगे। तो बच्चों को भी दुबई ले जाएंगे आप अपने साथ वहां पे जी अगर रहे जी तो? जी जी बच्चों की तो भी मर्जी है, बच्चों को इंडिया में रहना है दुबई रहना है कहाँ रहना है वो देख लेंगे। अभी तो बच्चे अपनी मौसी के पास हैं, तो मौसी आपके आप कनेक्शन में है, बातचीत हो रही है नहीं, उनसे? भी नहीं हो रही आपकी बातचीत? मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं, मेरी सब बच्चों से बातचीत है। ठीक अच्छा, सिर्फ बच्चों से होती है। हाँ तो पाकिस्तान में आप इतने दिन रही हैं और आपको जी वहां पे पूरा सपोर्ट भी मिला है, जी जी अब आते वक्त आपको कैसा फील हुआ वहां से जब आ रही थी आप? कैसा फील होता है? नॉर्मल फील हुआ। मतलब ऐसा कुछ इमोशन अटैच हुए हैं आपके? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि आप फिर से माँ बनने वाली हैं, नसरुल्ला की नहीं बच्ची सब की माँ की अफवाह है। खबरें हैं कि, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये वैसी अफवाह है। आप
इंडिया में आने के बाद एकदम से मीडिया से आपने किनारा कर लिया था जी। उसका यही था कि मैं अकेली थी, मैं कैसे क्या फेस करती, मुझे अपनी अभी मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं था, मुझे निकलना था कि एक बार मैं मिलूं। मैं मीडिया को यही बोल रही थी कि प्लीज अभी मुझे जाने दो, मैं सबसे बात करूंगी, मेरा फोन ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी तो भाई हूँ ट्रेवल करके, तो थोड़ा सा रुकी करूंगी अरविंद ना। से आपकी जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया, गुस्सा थे या नहीं, ऐसे कुछ आपकी जैसी? रिएक्ट नहीं किया है कोई, ये 2 दिन की तो बात है नहीं है, पहले से हमारी जो भी डिस्टर्बेंस थी वो तो चल ही रही थी, ऐसे कोई बातचीत नहीं है। जो भी है उनका और मेरा कहना यही है, जो कुछ होगा बच्चों से बातचीत करके जो भी है बैठ के डिस्कस करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, यही है दोनों की तरफ से। चलो ठीक है अंजू जी, जी आपके जो सवाल थे हमारे, अगर जी मैं फिर अगर बात करना चाहूंगा तो मैं आपसे फिर से एक बार कल जरूर 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 दिन में जरूर कर सकते हो। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। ओके बाय।